एक ओर जहां राजनेताओं के करतूत ने हिंदू मुस्लिम भाईचारा के बीच चीन की दीवार से भी ऊंची दीवार खींचकर रख दिया है, वहीं देश के किसी न किसी कोने में इस भाईचारा के बीच इंसान और इंसानियत दोनों जिंदा है। इसका जीता जागता उदाहरण पेश किया है पश्चिम बंगाल के रहने वाले इलियास ने। इलियास ने बाढ़ थाना क्षेत्र के काजीचक मोहल्ले का रहने वाला विक्षिप्त छोटन यादव को कई दिनों तक अपने भाई की तरह अपने घर में रखा। इंटरनेट के जरिए बाढ़ का पता लगाकर अपने पैसे से उसे बाढ़ तक पहुंचाया। सलाम है ऐसे बंदे को। ब्रजकिशोर भाई, हम लोग पहुंच गए हावड़ा स्टेशन, थोड़ी देर बाद हमारी ट्रेन है, जा रहे हम लोग। यादव भाई भी है साथ में, यादव भाई को छोड़ने जा रहा हूँ। यादव भाई ये देखो, हमारा यादव भाई हीरो बन गया। यादव भाई कुछ कहोगे? बोलो, यहाँ पे कैसा गुजारा हुआ बताओ। हम आज घर जा रहे हो, सब अच्छा रहो, फिर मुलाकात होगा। बोलो 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 बोलो। हम घर आ रहे हैं आज, बढ़िया से रहना, अच्छा से। छोटन यादव की कहानी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। बाढ़ निवासी छोटन यादव काम करने के लिए फरीदाबाद गया हुआ था, जहां कंपनी में उसे किसी के साथ झगड़ा हो गया और भयवश छोटन वहां से भाग निकला। लगभग 90 दिन पैदल चलकर नदी नाले को पार करते हुए छोटन पश्चिम बंगाल पहुंच गया। कोलकाता से लगभग 135 किलोमीटर आगे बंगाल बॉर्डर के पास छोटन किसी गाँव से गुजर रहा था। उस गाँव के लोगों ने उसे रोका और उससे पूछताछ की। पूछताछ के दरमियान छोटन सिर्फ बाढ़ शब्द बताने में सक्षम दिखा। थके मांदे पागल का रूप धारण किए हुए छोटन को इलियास पहले तो नहला धुलाकर इंसान बनाया, फिर अपने साथ भाई की तरह रखने लगा। इलियास खेत खलियान से लेकर स्टेशन बाजार, यहां तक कि भोज भंडार में भी छोटन को साथ लेकर जाने लगा। इसी बीच उसने नेट के जरिए बाढ़ स्टेशन को ढूंढ निकाला और बाढ़ थाना प्रभारी महोदय से संपर्क किया। थाना प्रभारी संजीत कुमार ने भी अपनी आखिरी ताकत झोंक दी और पता लगाकर इलियास को बताया कि छोटन बाढ़ के काजीचक मोहल्ले का रहने वाला है। बावजूद इसके छोटन के घर में सिर्फ एक बूढ़ी माँ को रहने के कारण कोई वहां से उसे लाने वाला भी नहीं था। तब इलियास ने उठाया और बड़ा कदम। ब्रजकिशोर पिंटू की रिपोर्ट। या मारा मारी के छोड़ के चली लिया। हाँ, मारा मारी कब मजे कब मजे कर यहाँ काम करते थे? कहाँ काम करते थे? 7 दिन गम्मा कराएगा, मारा मारी गिल के 2 दिन। कहाँ काम करते थे? फरीदाबाद। वहाँ से भाग गए? तो कहाँ चले गए? चले गए बोलते चल दे लिया, आज पहुँच गए पैदल। यहाँ पहुँच गए? नहीं, कोई ट्रेन से लिए। ट्रेन से कौन पहुँचाया? कौन पहुँचाया ट्रेन से? इलियास ने अपने खर्च से उसका और अपना टिकट बनाकर उसे बाढ़ थाना पहुँचा दिया, जहां बाढ़ थाना अध्यक्ष संजीत कुमार ने भी इलियास को धन्यवाद देते हुए कहा कि आज भी धरती पर इंसान और इंसानियत दोनों जिंदा है। ब्रजकिशोर पिंकू की रिपोर्ट। मामला है, क्या मामला है? हाँ, ये भटकते हुए 24 परगना बंगाल बॉर्डर पे पहुंच गए थे, तो ये सज्जन जो हैं इलियास सरदार, तो ये हमको कॉल किए थे, इसका फोटो भेजे थे। भेजने के बाद बोले थे कि ये बाढ़ का ही अपना एड्रेस बता रहा है, तो बाढ़ में फोटो दिखा के पहचान करवाएं, तो काजीचक मोहल्ला का पाया गया कि इसके घर में कोई नहीं थे, तो ये लड़का खुद उधर से इसको ले करके यहाँ पहुँचाने चला है। यही होता है कि आज भी इंसानियत जिंदा है। आज ही अपने घर पहुँच चुका? हाँ, अपने घर पर पहुँच गया, काफ़ी खुश है, तो परिवार वाले भी खुश हैं इसको देख कर। यहाँ पहुँचाया? जी सर, ये मिला था हमारे गांव में, पागल जैसा था, तो गांव से गुजर रहा था, हम लोग सब बैठ के बातें कर रहे थे, तो इधर से गुजर रहा था वो। आप कहाँ काम पता है आपका? मेरा गांव है नॉर्थ 24 परगना, स्वरूप नगर थाना है, और गांव का नाम है बिठारी। और राज्य कौन है? राज्य पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल है। तो उधर से गुजर रहा थे, तो मैंने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो, तो पागल जैसा लग रहा था, तो पूछे कहाँ जा रहे हो, तो कुछ नहीं बता रहे थे। तो इधर का मैंने पूछा गांव कहाँ है आपका, तो सिर्फ बाहर स्टेशन का नाम पता था। तो मैंने नेट पे गूगल में सर्च किया तो बाहर स्टेशन आया था, उसके बाद आजू बाजू का पुलिस स्टेशन ढूंढा तो एक पुलिस स्टेशन का नाम मिला। तो इधर नंबर भी दिया हुआ था, तो मैंने
नंबर पे फ़ोन किया, फ़ोन करके सर से बात किया तो सर ने कहा ठीक है उसका फ़ोटो भेजो। तो फिर मैंने उसका फ़ोटो भेज दिया, इसके साथ सर से सब बात करवाया तो सर ने कहा ठीक है मैं थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। फिर सर ने इसके गांव के मुखिया के साथ बात किया, मुखिया की तो उन्हें पता नहीं सर, उसके साथ बात किया। बात करने के बाद थोड़ी देर बाद पता सर ने फ़ोन किया दोबारा, फ़ोन करके बोला हाँ इधर का ही है तो एक मिनट रुको मैं अभी कॉल करके आपको डिटेल्स बता रहा हूँ। तो सर ने दोबारा फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद बोला हाँ वो तो उसका मम्मी है घर में, एक बूढ़ी माँ है और दो बच्ची है। तो मैंने बोला सर इसको घर पहुँचाना है, कैसे पहुँचा है? तो बोला ठीक है उसके घर में बता देते हैं, कोई ना कोई जाएगा। तो उसके घर से कोई जाने का जाने वाला कोई नहीं था उसके घर से। तो मैंने सोचा कि ठीक है फिर मैं चला जाता हूँ। तो उसको लेके एक हफ्ता था हमारे घर में, एक हफ्ते से हम लोग उसके साथ कैसे वार्तालाप किया उससे पूछ लीजिए। कि उसके साथ ऐसा पहले तो पागल था एकदम, पहले के फोटो है मेरे पास, पहले एकदम पागल था ऐसा बना दिया उसे। फिर यहाँ से यहाँ तक लेके